नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में लाइव देख पाएंगे, कौन कौन से टीवी चैनल पर और कौन से लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इन मैचेस को देखा जा सकता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू फुटबॉल ट्यूब। नाउ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जो कि इस बार जॉइंटली होस्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये स्टार्ट होगा 20 जुलाई और इसका फाइनल खेला जाएगा ठीक एक महीने बाद 20 अगस्त 2023 को। ये पहला ऐसा विमेंस एडिशन है जिसमें टोटल 32 टीम्स खेल रही है। जी हाँ, इससे पहले के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें टोटल 24 टीम्स थी, लेकिन इस बार 32 टीम्स खेलेगी क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप को एक्सपेंड कर दिया गया है। जिस तरह से फीफा मेंस वर्ल्ड कप को एक्सपेंड किया जाएगा 2026 से, जिसमें टोटल 48 टीम्स खेलेगी, और इसी तरह विमेंस वर्ल्ड कप में इस बार 32 टीम्स खेलेगी और ये 9 शहरों में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। तो 32 टीम्स खेलेगी तो जिसका मतलब टोटल 64 मैचेस होंगे और फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप में रहता था, 32 टीमों वाला। पहले ग्रुप स्टेज होगा, फिर उसके बाद राउंड ऑफ 16 के मैचेस होंगे, फिर उस राउंड ऑफ 16 से ही शुरू हो जाएंगे नॉकआउट राउंड्स, और उसके बाद फाइनली एक फाइनल खेला जाएगा 20 अगस्त को। डिफेंडिंग चैंपियन है इसके यूनाइटेड स्टेट्स, और सबसे ज़्यादा विमेंस वर्ल्ड कप भी यूनाइटेड स्टेट्स ने ही जीते हैं, जो कि टोटल 4 बार वर्ल्ड कप के चैंपियन रह चुके हैं। पिछली बार का विमेंस वर्ल्ड कप खेला गया था 2019 में, फ्रांस ने इसको होस्ट किया था और यूएसए ने ही उसका टाइटल जीता था। इसके बाद इनके पास टोटल 4 वर्ल्ड कप के टाइटल्स हो चुके हैं जो बनाते हैं इनको मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। नाउ अब जानते हैं कि आप कैसे 2023 के विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में देख सकते हैं। तो जहां तक इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में, तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि वन स्टेडिया जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लिए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, लेकिन इनका कोई चैनल तो नहीं है, तो इन्होंने आगे सब इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे दिए हैं डीडी स्पोर्ट्स को। जी हाँ, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस आप देख पाएंगे डीडी स्पोर्ट्स पर, और अब ये ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है कि आप दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस देख सकते हैं। नाउ अगर आप इन मैचेस को लाइव देखना चाहते हैं इनकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा फैन कोड ऐप, फैन कोड ऐप या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस फैन कोड पर ही लाइव होंगे। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या फैन कोड फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करेगा? जी नहीं, फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे जो कि है fancode.com, तो आप अगर इनके जो प्लान देखेंगे, एक मैच का भी इन्होंने प्लान रखा हुआ है जो कि 9 रुपये देकर आप इनका एक मैच देख सकते हैं, और अगर आप टोटल 64 मैचेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 69 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जिसमें आप सारे के सारे विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस देख सकते हैं। तो ये है फैन कोड की वेबसाइट, या फिर आप इनका एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस देखने के लिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।